हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, ये देखिए टीन कितना गंदा लग रहा है। तो आज हम इस टीन को अपने क्राफ्ट में यूज करेंगे और इसे एक नया लुक देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी बॉल पुटी लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक थिक पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसे इस टीन के डब्बे पर अप्लाई कर देंगे और इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इस पे आगे की डिटेलिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये कितनी अच्छी तरीके से सूख गया है। तो चलिए अब हम इस पे आगे की डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले बॉल पुटी का डो लिया है। मैंने बॉल पुटी का डो पहले बनाया है और मैंने आपको पहले बताया भी है कि बॉल पुटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि बॉल पुटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। बॉल पुटी का डो तैयार करने के बाद उसे आप एक गीले कपड़े में लपेट के रख दीजिए और उसके बाद उसे यूज करिए। जब आपको लगने लगे कि मेरा डो थोड़ा सख्त हो रहा है तो आप उसमें 3 से 4 बूंद पानी मिक्स करके उसे फिर से मिला लीजिए। आपका डो जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस टीन पर बॉल पुटी को चिपकाने के लिए मैंने सिर्फ पानी का यूज किया है। आपका डो अगर पानी से अच्छी तरह से नहीं चिपकता है या आपको पानी से चिपकाने में परेशानी होती है तो आप फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर फेविकॉल नहीं है तो आप फेविकॉल की जगह जो बॉल पुटी का डो तैयार किया है उसमें बस थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका घोल तैयार कर ले और बस उससे बॉल पुटी चिपका दे। बॉल पुटी से जब आप डिटेलिंग करते हैं तो उसका एक लेयर सूखने दे, उसके बाद उस पर कोई दूसरा लेयर करें। आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। Oh, 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 oh
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने बेकार से टिन का कितना सुंदर यूज किया है और उस टिन से हमने कितना सुंदर प्लांटर बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में भी इस तरह का टिन का डब्बा है तो उस डब्बे से इस तरह का प्लांटर ज़रूर बनाएं और अपने घर को डेकोर करें। इस तरह के प्लांटर काफ़ी कम खर्चे में बनके तैयार हो जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।